नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अंबासा की रैली में विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने विकास के मामले में त्रिपुरा को पीछे धकेला है। मोदी ने कहा कि 5 साल पहले एक ही पार्टी का झंडा दिखता था, बीते 5 सालों में त्रिपुरा का विकास तेजी से हुआ, जिसके चलते त्रिपुरा राज्य विकास से वंचित नहीं है। इसी का नतीजा होगा कि हमारी फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी इसके बाद गोमती में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करते हुए नजर आए। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि त्रिपुरा में आने वाले 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले ही संकल्प पत्र जारी किया है। अब पीएम मोदी की रैली को काफी अहम माना जा रहा था। बीजेपी ने भी नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 रुपए की खाने की थाली जैसे लोक लुभावने किए गए वादे त्रिपुरा की जनता पर कितना असर डाल पाते हैं, ये देखना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। परेड सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हुई। यहां शाह ने अधिकारियों को कई अहम नसीहतें दी। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और एनसीबी के काम करने के तरीकों पर भी चर्चा की। शाह ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति, आतंकवाद विरोधी कानूनों के लिए मजबूत ढांचे, एजेंसियों को मजबूत किए जाने और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आतंकवाद संबंधी घटनाओं में कमी आई है। शाह ने कहा कि पिछले 7 दशकों के दौरान देश के आंतरिक सुरक्षा में कई उतार चढ़ाव और कई चुनौतीपूर्ण समय देखे गए हैं। पीएफआई को बैन करने के सरकार के कदम पर शाह ने कहा, हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर हमने दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में पूरे देश में पुलिस बलों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन के खिलाफ एक ही दिन में एक सफल अभियान संचालित किया है। शाह ने कहा कि एनआईए पूरे देश में फैल रहा है। अब एनआईए और एनसीबी के बढ़ने से आतंकवाद और नशे से जुड़े अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस तरह के अपराधों पर अब राष्ट्रीय डेटाबेस के जरिए नजर रखी जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मेहरौली में चल रहे ध्वस्तीकरण एक्शन में हस्तक्षेप किया है। सरकार ने डीडीए को विध्वंस रोकने के लिए कहा। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया। वहीं कैलाश गहलोत ने कहा कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। डीडीए ने राजस्व विभाग के सीमांकन को गिराने का आधार बनाया था। आपको बता दें कि डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली के मेहरौली इलाके में डिमोलिशन ड्राइव चला रही है। बीते दिन शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम एक बिल्डिंग को तोड़ने के बाद दूसरी बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं मेहरौली में बिल्डोजर की कार्रवाई पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। डीडीए के सेक्शन को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को कुछ करना नहीं आता है, सिर्फ तोड़ना आता है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी कभी संविधान तोड़ती है, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़ती है, अब लोगों के बनाए घरों को तोड़ रही है। बीजेपी कुछ बनवाकर भी देखे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोर्ट से आदेश के बाद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिन घरों की रजिस्ट्री है और वो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, उन घरों को भी तोड़ा जा रहा है। टर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 24,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में पहुंचा है, जहां संयुक्त राष्ट्र की मदद की पहली खेप पहुंची, लेकिन काफी लेट से मदद पहुंचने की वजह से मलबे में जिंदा लोगों को बाहर निकालने की उम्मीद काफी कम हो गई। इसके साथ ही कड़कड़ाती ठंड की वजह से भी राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जो लोग मलबे में जिंदा भी फंसे होंगे, वो बिना पानी और भोजन के कब तक बचे रह सकते हैं, इसकी भी आशंका बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की राष्ट्रीय रिसेप ताइपन एर्दोगन ने बुधवार को राहत बचाव के काम में सरकार की कमियों को स्वीकार किया। कहा कि राहत बचाव काम में तेजी लाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों से मदद भी मिल रही है। सबके प्रयास देश को इस संकट से उबारेंगे। तुर्की सरकार के अनुसार बारिश और ठंड के मौसम के चलते राहत कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिशों में लगातार तेजी की जा रही है।
गौतम अडानी के मामले में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि आखिर जिनकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, उसकी 2.5 साल में 13 लाख करोड़ हो गई है, क्या ये 2 लाख कमाने वाले के साथ होगा। हाथ से हाथ जोड़ो के शुभारंभ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने संसद में मुद्दा उठाया कि व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, 2.5 साल में उसकी संपत्ति 13 लाख करोड़ हो गई है। खड़गे ने आरोप लगाया कि हम इन बातों को संसद में उठाते हैं, लेकिन हमारे भाषण की बातें रिकॉर्ड से निकाल दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अडानी को पीएम मोदी सरकारी पैसा देते गए। अडानी को LIC, SBI और सरकारी बैंकों से 82,000 करोड़ रुपए दिया गया है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने अडानी जी को 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया। वो हमेशा झूठ बोलते हैं, यहां तक कि राहुल गांधी के भाषण को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से हटा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी में बहुत अहंकार आ गया है, लेकिन कोई भी हो, किसी का अहंकार नहीं टिकता। देश की जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। 2014 में मोदी कहते थे कि मेरी सरकार आने के बाद महंगाई कम करूंगा। मैं पीएम मोदी से पूछता हूं, अब कहां हैं आप? दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार राघव मगुट्टा की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। राघव मगुट्टा का राव एवेन्यू कोर्ट्स ने 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। डिप्टी मजिस्ट्रेट स्पेशल CBI जज नरेश कुमार लाका ने राघव मगुट्टा को ईडी हिरासत में भेजा है, जिन्हें 10 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात कोर्ट से कही थी। इससे पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मामले में शाम 5 बजे फैसला सुनाया। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले मामलों में ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी राघव मंगुट्टा को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउस एवेन्यू को कोर्ट के स्पेशल जज नरेश कुमार लाका की कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि राघव मंगुट्टा शराब के निर्माण, होलसेल और रिटेल दोनों तरह के बिजनेस में शामिल थे। पॉक्सी के जरिए राघव मंगुट्टा 2 जोन में कंट्रोल करता था। आबकारी मामले में राघव मंगुट्टा की भूमिका शरदी की जैसी है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले के तौर पर जो सीधे तार जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नेताओं से जुड़े हुए हैं। इस मामले में कथित अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ही राघव मंगुट्टा को गिरफ्तार किया गया। ईडी के मुताबिक बीते 1 सप्ताह के अंदर इस मामले में 30 गिरफ्तारी है। बता दें कि राघव मंगुट्टा YRS कांग्रेस सांसद मंगुट्टा श्रीनिवासुलू के बेटे हैं। बालाजी ग्रुप नाम की कंपनी के मालिक भी हैं। चित्रकूट जेल अधीक्षक के कमरे में MLA अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत के बीच हुई मुलाकात के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और 5 बंदी रक्षकों पर भी निलंबन की आवाज गिर गई है। जेला अधीक्षक अशोक सागर के खिलाफ विभागीय जांच के लिए शासन को पत्र लिखा गया। इसके अलावा जेलर और डिप्टी जेलर के खिलाफ DG जेल आनंद कुमार ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। DIG जेल प्रयागराज की रिपोर्ट के बाद अब्बास अंसारी को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की गई। विधायक अब्बास अंसारी की जेल बदलने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया। आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद हैं। अब्बास से मिलने जेल में गई उनकी पत्नी निकहत बानो ने मोबाइल फोन समेत दूसरी चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही दोनों की जेल में अलग रूम में मुलाकात कराई जा रही थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।